हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आपकी प्रेगनेंसी किट में एक लाइन गाढ़े और पिंक कलर की हो और एक लाइन हल्के पिंक कलर की आती है तो उसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, यही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जब कभी आप प्रेगनेंसी के लिए टेस्ट करते हैं प्रेगा न्यूज या प्रेगा किट लेके या फिर प्रेगा केम नाम की जो किट आती है उनसे जब आप चेक करते हैं दोस्तों, अगर दो लाइन पिंक कलर की गाढ़ी आती है तो इसका मतलब पॉजिटिव होता है और एक लाइन अगर आपकी गाढ़ी आती है इसका मतलब वो निगेटिव होता है। और अगर कोई लाइन नहीं आती है, एकदम से प्लेन आता है, ब्लैंक आता है, खाली आता है, तो उसका मतलब होता है कि ये जो आप टेस्ट किए हैं ये इनवैलिड है, मतलब दोबारा करने की आवश्यकता है आपको क्लियर करने के लिए। पर अगर आपके टेस्ट में एक लाइन पिंक कलर की गाढ़े कलर की आती है और एक पिंक हल्के कलर की आती है तो इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में जो HCG हार्मोन है, मतलब प्रेगनेंसी हार्मोन जिसे कहते हैं, जिसकी वजह से लाइन डेवलप होती हैं, वो अभी कम है। मतलब प्रेगनेंसी है, आपके प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, पर आपके शरीर में HCG हार्मोन का लेवल कम है। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप 3-4 दिन रुक के दोबारा से जांच करेंगे तो एकदम से आपको कम्प्लीटली क्लियर पता चल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। दोस्तों, ये हल्के का हल्का भी पिंक लाइन आती है फिर भी आपका जो टेस्ट होता है वो पॉजिटिव ही होता है। अगर ये जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।